सो इसके लिए तो पेंटिंग का ऑयल पेंटिंग का फाइनल कोट करने के लिए ऑल वी नीड इज दिस पिक्चर क्लियर वार्निश। ओके, आपको पिक्चर क्लियर वार्निश किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगा। मैं ये कैमल का पिक्चर क्लियर वार्निश यूज कर रहा हूँ। इट सेज दैट इट इज स्पेसिफिकली फॉर ऑयल कलर्स। ओके, तो ये आप देख लें, क्योंकि ऑयल पेंटिंग स्केचिंग सबके लिए एक कोटिंग करने के लिए वार्निश या फिक्सेट टाइप के कुछ ना कुछ मटेरियल जरूर आते हैं। जैसे हम स्केचिंग के लिए देखें तो उसके लिए फिक्सेट आता है, स्केचिंग फिक्सेट आता है, चारकोल फिक्सेट आता है, पेस्टल फिक्सेट आता है। तो ऐसे ही है, जैसे फिक्सेट होता है, ये भी पिक्चर क्लियर वार्निश है। इससे हमारी पेंटिंग पे ग्लो आएगा और ये काफी लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहेगी। सो वॉट वी नीड इज अ ब्रश। अगर आपके पास फॉर्म ब्रश हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप एक नॉर्मल ब्रश भी यूज कर सकते हैं। कैमल पिक्चर वार्निश, इसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एम्प्टी टब जिसमें आप ये क्लियर वार्निश डाल पाए, पोर कर पाए, और एक पेंटिंग। ये रिसेंट पेंटिंग है, आपने अगर देखी हो मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो मैंने रिसेंटली अभी ड्रॉ करी थी, तो ये वही मेरी ऑयल पेंट है। अब ये सूख चुकी है। आपको वार्निश करने के पहले, क्लियर वार्निश करने के पहले ये देख लेना चाहिए कि आपकी पेंटिंग हर जगह से इवनली सूख चुकी हो, क्योंकि अगर ये नहीं सूखी होगी तो क्लियर वार्निश क्या करेगा कि हमारी जो पेंटिंग है उसका कलर निकालने लगेगा। मतलब ये एक्चुअली आप इसको अगर कहीं पे थोड़ा बहुत गलती करिए तो आप उसको इसको क्लियर वार्निश को इसे यूज भी कर सकते हैं उस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए इन सेंस ऑफ कलर। और अगर नहीं की है तो आप भी देख लें कि ये पूरी पेंटिंग इवनली सूख चुकी हो, एल्स आप और आपको अगर नहीं सूखी होगी तो एक वहां का कलर निकाल देगा। देखें आप ये इसको ब्रश को अच्छे से सोक कर लें इसमें, या कोई भी इम्प्योरिटी थे तो वो भी निकल जाए ब्रश की। अब आपको इसको साइड करना है और आपको ध्यान देना है कि सिर्फ आप इवनली सिंगल कोट डालें इसका, आपको ज्यादा रब नहीं करना है।
इसकी काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, तो अगर किसी को पेंटिंग के ये इथेनॉल की स्मेल से कुछ प्रॉब्लम हो तो कृपया दे कैन वेयर मास्क, मीन्स दैट इज एडवाइजेबल। आप इसको इवनली कोट कर दें, आप देख सकते हैं इसमें कहीं कहीं बबल्स और ये कुछ कचरा टाइप का आ रहा है। दिस इज ड्यू टू, क्योंकि मैंने ये पेंटिंग साफ नहीं करी थी, देखो इसको साफ कर देना चाहिए था पहले, तो ये जो बबल्स आते हैं ये नहीं आते हैं, ये एक्चुअली डस्ट मार्क होते हैं। या आप इसको चारों तरफ से पेंटिंग को अच्छे से कवर कर दें। आप लोग देखेंगे कि पेंटिंग पे ऑटोमेटिकली एक ग्लो आने लगा है, ऑटोमेटिकली एक ग्लो आने लगा है, और ये कितनी लाइवली शो दिख रही है। तो इसको अब बस हमको सूखने देना है, और ये सूखने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, मेरे को नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगना चाहिए इसको। सो दिस इज द फाइनल लेयर जो हमें एक ऑयल पेंटिंग को प्रिजर्व करने के लिए करना चाहिए, एंड इट्स मस्ट, बिकॉज इसके इससे हमारी पेंटिंग में ग्लो भी आता है, और फर्दर अगर कुछ फंगस या फफूंद लगती है तो वो भी इसे क्योर करता है, उसके चांसेस भी कम हो जाते हैं, और हम लॉन्ग रन के लिए अपनी पेंटिंग को प्रिजर्व कर सकते हैं। मेरे पास इतना भी बचा हुआ है तो मैं सोच रहा हूँ अपनी बाकी पेंटिंग्स को भी कर देता हूँ, इसको हम साइड रखते हैं, इसको हमको सूखने देना है। पहले पेंटिंग क्लियर कर लें, जैसे मैं कर रहा हूँ, आपका उस कपड़ा हो या कुछ फॉर्म टाइप का कुछ पड़ा हुआ था, इसे क्लियर कर लें पेंटिंग अपनी। एंड एज यूजुअली हमारा क्लियर वार्निश है,
जिसको मैं पेंटिंग के ऊपर डालने की कोशिश करता हूँ। इसकी स्मेल काफी स्ट्रांग होती है, कई लोगों को इसकी स्मेल पसंद भी नहीं आती, पेट्रोल टाइप की स्मेल आती है। इसका आप ये मत सोचे कि हमको डबल कोट करना है, ट्रिपल कोट करना है, आप इसका सिंगल कोट करेंगे तो भी वो सफिशिएंट होता है। आप कुछ पेंटिंग में करेक्शन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसको सूखने रख दीजिए। याद रखिए कि इसको कभी रब रब मत करिए पेंटिंग के ऊपर। स्पॉन्ज से मैं एक्चुअली इसका जो भी एक्स्ट्रा है वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे इसका कलर फैले ना और निकले ना।
प्रोसेस सेम ही है, पहले हमको इसको साफ कर लेना है। हाँ फिर हमारे पास अगर फॉर्म ब्रश हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो हम नॉर्मल फॉर्म या नॉर्मल ब्रश से यूज कर सकते हैं इसको। ये हमारा लिक्विड लिया, ये असल में मेरी बहुत टाइम से लॉन्ग ड्यू पेंटिंग्स हैं जिसपे मेरे को एक क्लियर वार्निश का कोट करना था, इस वजह से मैंने कहा मैं आपको बता भी दूंगा और वीडियो भी बना लूंगा इसी बहाने।
यूनिफॉर्म थिन कोट करना है,